हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश स्केल्स। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्केल्स। ठीक है, स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स फॉर्म विद इन द इंट्यूगमेंट। ठीक है, जो स्केल्स हैं ये हमारे इंट्यूगमेंट में ही बनते हैं, जो आप कह सकते हैं इंट्यूगमेंट का ही पार्ट है। तो किसके इंट्यूगमेंट का? मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है, या कुछ आप कह सकते हो जो टेरिस्टल वर्टिब्रेट्स हैं उन पे भी स्केल्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल होगी रेप्टाइल्स पे प्रेजेंट होते हैं, देन मैनी टाइप्स ऑफ आप कह सकते हो कि लीजर्ड्स हो गए, बर्ड्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स पे भी कुछ पे स्केल्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो स्केल हैं ये एक्चुअली क्या होते क्या हैं, ये फोल्ड होते हैं हमारे किसके इंट्यूगमेंट में, मतलब हमारे इंट्यूगमेंट में फोल्ड्स के फॉर्म पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर उस फोल्ड पे अगर हमारी इंट्यूगमेंट का या स्किन का डर्मल वाला पार्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट करे तब हम उसको कहेंगे क्या, डर्मल स्केल। अगर एपिडर्मस वाला पार्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट करे तब हम उसको क्या कहेंगे, एपिडर्मल स्केल। ठीक है, जो डर्मल स्केल हैं ये मिलते हैं हमें फिशेज में, और जो एपिडर्मल स्केल हैं ये मिलते हैं हमें टेरिस्टल वर्टिब्रेट पे, जैसे हमने पहले कहा कि जैसे इन केस ऑफ रेप्टाइल्स हो गया या बर्ड्स हो गया या मैमल्स हो गया। ठीक है, देन प्लेकाइड स्केल जो फर्स्ट है वो है कौन सा, फिश का प्लेकाइड स्केल। एक मैं शॉर्ट आपको भी ये बता दूँ कि जो प्लेकाइड स्केल है या अदर टाइप ऑफ स्केल हैं, जो भी दो तरह की फिशेस होती हैं, एक होती हैं कार्टिलेजिनस और एक होती है बोनी फिशेस। ठीक है, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उन पे हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, प्लेकाइड स्केल, और जितनी भी बोनी फिशेस हैं उस पे प्लेकाइड स्केल को छोड़ के अदर टाइप ऑफ जो स्केल्स हैं वो सारे के सारे बोनी फिशेस में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो प्लेकाइड स्केल है ये हमेशा कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेगा और बाकी जो रेस्ट टाइप ऑफ स्केल हैं वो हमेशा आपको बोनी फिशेस पे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्लेकाइड स्केल होता क्या है, ये हमने पहले कहा कि ये प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस फिशेस में, और इन केस पे जो डर्मल बोन होगी वो इन केस पे इन स्केल पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। मीन्स ये जो उनका बेसल वाला पार्ट होगा वहाँ पे डर्मल बोन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस स्केल की शेप देखो तो ये रफली आपको किस तरह का नज़र आता है, डायमंड लाइक या क्रोन लाइक इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, इसको हम ट्राई रेडिएट टेंटिकल भी करते हैं क्योंकि इसके तीन तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, एलिवेशंस निकलते हैं। जो दो साइड वाले हैं इसको हम कहते हैं लेटरल स्पाइन। ठीक है, और जो मिडल वाला पार्ट एलिवेटेड इसको हम कहते हैं मीडियन स्पाइन। ठीक है, ये व्यू इसका नज़र आ रहा है, आप कह सकते हो कि डॉर्सल व्यू में हम दिखा रहे हैं स्केल को, और ये हम इसको दिखा रहे हैं वेंट्रल व्यू में। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि स्केल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है इसका बेसल प्लेट वाला पार्ट जिसकी शेप कैसे रोम्बस की शेप होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेसल रोबेंडल प्लेट। ठीक है, देन उसके बाद इसी के ऊपर एक ये एम्बेडेड पार्ट होता है जिसको हम ट्राई रेडिएट स्पाइन या डेंटिकल कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस शेप पे देखोगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, अगर आप इसको वेंट्रल व्यू पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ओपनिंग नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं क्या, ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी। ठीक है, ये कैविटी ऐसी ओपनिंग होती है, यहाँ से जो भी नर्व्स की या ब्लड की सप्लाई इस आप कह सकते हो स्केल के अंदर वाले पार्ट तक जाती है और इनको डिफरेंट तरह की न्यूरिशमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट मींस कि ये एक इसका डॉर्सल व्यू में, और ये आप इसको कह सकते हो इसका वेंट्रल व्यू में स्केल आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो जो ये इसका मीडियन वाला जो आप कह सकते हो सुपरफिशियल या आप कह सकते हो बाहर वाली आउटर लेयर है, ये बनी होती है इसके किसके साथ, इनेमल के साथ, जिसको हम कह सकते हैं इनेबल फॉर्म्स दी टिप, और इसके नीचे जो बाकी वाला पार्ट है ये बना होता है किसके साथ, डेंटिन के साथ। ठीक है, देन पल्प कैविटी इनके पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, इन शॉर्ट मैं बोलूँ प्लेकाइड स्केल प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस फिशेज में, डर्मल बोन मतलब के जो बेसल वाला पार्ट है वो इन पे एब्सेंट रहेगा, ट्राई रेडिएट स्पाइन आइडेंटिकल प्रेजेंट होंगे, पल्प कैविटी इनके पास प्रेजेंट होगी जहाँ से न्यूरिशमेंट की सप्लाई होगी, आउटर वाली लेयर इसकी इनेमल की होगी और उसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो किसकी होगी, डेंटिन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता कौन सा, कॉसमाइड स्केल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा प्लेकाइड स्केल हमेशा मिलेगा कार्टिलेजिनस फिशेज में, बाकी जब जो भी हम स्केल डिस्कस करेंगे ये किस पे मिलती है हमें, बोनी फिशेज में। ठीक है,
आप बोनी फिशेज में जो कॉस्माइड स्केल है इसमें हम कह रहे हैं बोनी फिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ऑफ द डर्मिस इज द स्केल, ठीक है। जो डर्मिस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो इन बोनी फिशेज में क्या होता है, स्केल का होता है, ठीक है। बट इनकी ये खास बात होती है कि जो ये इनका डर्मल स्केल होता है ये स्किन को कट करके बाहर नहीं आता, बिल्कुल आप कह सकते हो जो स्किन के बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर है उसको कट करके बाहर नहीं आता, बट एपिडर्मिस के बहुत क्लोज ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा या फोल्ड आप कह सकते हो वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो ऐसी अपेयरेंस देगा कि एपिडर्मिस काफ़ी क्या है, वो हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन जो कॉस्माइड स्केल है ये हमें किस पे देखने को मिलते हैं, मतलब कौन सी तरह की बोनी फिशेज पे, जो प्रीमिटिव फिशेज, ठीक है, उन पे मिलेगा। और इनकी जो आप कह सकते हो कि बेसल वाला पार्ट, मतलब जहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है डर्मल बोन से, वो होती है इनकी दो तरह की बोन लेयर, मतलब दो तरह की लेयर ऑफ बोन प्रेजेंट होगा। एक लेयर वो होगा जो होगा इसका वेस्कुलर वाला पार्ट, और दूसरी बोनी लेयर कौन सी होगी, लैमिनर, ठीक है। इट मीन्स कि जो कॉस्मोइड स्केल हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, प्रिमिटिव सार्कोपेटर्गिन फिशेस पे, ठीक है। ये इसका जो बेसल वाला पार्ट होगा वो आप कर सकते हो कि जो इसका बेस वाला पार्ट होगा वो बना होगा टू लेयर ऑफ बोन से, एक लेयर बोन की होगी वेस्कुलर और दूसरी बोन उसकी कौन सी होगी, लैमिनर, ठीक है। देन फिर उस बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर प्रेजेंट होगी एक लेयर ऑफ डेंटिन, ठीक है, जो कह रहा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस बोन, दिस बोन मतलब ये जो टू लेयर ऑफ बोन है उसके बाहर वाली तरफ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो किससे बना होगा, डेंटिन से बना होगा, और इस डेंटिन को सुपरफिशली कवर करने के लिए वहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होगी, जो कौन सी लेयर होगी, इसकी इनेमल की लेयर होगी, ठीक है। मतलब बेस जो इनका बेस होगा वो इनका बोन से बना होगा, दो तरह की लेयर ऑफ बोन होगी, देन बोन के ऊपर प्रेजेंट होगी डेंटिन की लेयर, और डेंटिन के ऊपर मतलब टॉप जो वाली जो लेयर होगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इनेमल, ठीक है। देन सेकेंड आ जाते हैं इनका कौन सा, गेनोइड स्केल्स, जो गेनोइड स्केल है, अब इस पर हम इसे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आउटर फिशियल लेयर जो हम कह रहे थे इनेमल, इनेमल की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, गेनोइन की लेयर, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनके शेप कैसे होता है, रोम्बाइडल एक रोम्बस की तरह नज़र आते हैं, और इनका पैटर्न इस तरह से होता है जिस तरह से आप देखोगे घर में अगर हम फ्लोर पे टाइल्स डालते हैं बिल्कुल कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, उस तरह से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस पे भी क्या होगा कि जो इनकी डर्मल बोन है, जैसे इन केस ऑफ कॉस्माइड स्केल पे हमने कहा उनका बेस बनाती है, यहाँ पे भी गेनोइड स्केल जो होगा उनका बेस जो होगा वो डर्मल बोन का होगा, ठीक है। देन फिर उसके ऊपर आप कह सकते हो कि डिफरेंट तरह की लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जो डर्मल बोन है कुछ फिशेज में वो डबल होगा और कुछ फिशेज पे वो सिंगल लेयर से ही क्या होगा, वो बना होगा, ठीक है। देन जो गेनोइड स्केल्स हैं ये काफ़ी शाइनी होते हैं, ओवरलैपिंग में पहले कहा कि ये इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं जिस तरह से टाइल्स के होते हैं, बिल्कुल इंटरलॉक कम्पैक्टली पैक्ड होंगे, ठीक है। और इनका जो आप कह सकते हो बेस वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो बोन से होगा, जो हमने पहले कहा कि कुछ फिशेज में डबल लेयर ऑफ बोन होगी और कुछ फिशेज पे सिंगल लेयर होगी, ठीक है। देन फिर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा आइसोपोडिन की मिडल लेयर, देन उसके बाहर प्रेजेंट होगा डेंटिकल लाइक कॉस्माइन की लेयर, देन इस कॉस्माइन को एक्सटर्नली कवर कौन करेगा, शाइनिंग मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं गेनाइन, और इसी गेनाइन के प्रेजेंट के बेसिस पे हम इसको कहते हैं क्या, गेनोइड स्केल्स, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ स्केल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पॉलीपटेरी फॉर्म्स या गार फिशेज, ये इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गेनोइड स्केल्स, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम्स में बताता हूँ, ये आ गया इनका अरेंजमेंट, ठीक है, देखो किस तरह से कम्पैक्टली पैक्ड और रोम्बस शेप, रोम्बाइडल शेप है ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो इनका बेस होगा वो दो बोन से बना होगा, कुछ पे दोनों लेयर बोन की प्रेजेंट होगी जिस पे हमने कहा वेस्कुलर या लैमिनर, और कुछ ऐसी फिशेज होगी जिन पे एक ही सिंगल लेयर ऑफ बोन की होगी प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन फिर उसके बाद प्रेजेंट होगी बोन के ऊपर प्रेजेंट होगी मिडल आइसोपोडिन की लेयर, देन उसके बाद कॉस्माइन की लेयर, और उसको कवर करेगा एक्सटर्नली कौन, गेनोइन की लेयर, ठीक है। देन
नेक्स्ट आ जाता है कौन सा इसका, साइक्लाइड स्केल। ठीक है, अब ये जो साइक्लाइड स्केल है जो इसका नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा, टिनाइड स्केल। ये सारे हम कहते हैं कि गेनोइड स्केल के अलग अलग क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, बट इस पर स्लाइटली मॉडिफिकेशन ये रहती है कि इन पे गेनाइन और कॉसमाइन की लेयर क्या होती है, वो एबसेंट होती है। ठीक है, और ये स्केल्स मिलते हैं हमें किस पे, लोअर टेलियोस्ट जिनको कहते हैं बोनी फिशेज में। ठीक है, जैसे कि होगी कॉड्स होगी, कार्प्स होगी एंड डिप्नोई जो लंग फिशेज हैं। ठीक है, अगर हम इनकी शेप की या साइज़ की बात करें तो ये स्केल काफ़ी थिन होते हैं, रफली सर्कुलर होंगे और ये बने होते हैं किसके साथ, एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, रफली सर्कुलर होगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है इनका एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कंसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देन इसकी दो साइड्स होते हैं, एक होगी एंटीरियर और एक होगी पोस्टीरियर। पोस्टीरियर साइड वो होती है जो इनकी एपिडर्मिस या स्किन के अंदर एम्बेडेड होगी। ठीक है, और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ग्रूव्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन दूसरा होता है इनका एंटीरियर एंड, मतलब फ्री एंड, जो इनकी स्किन से एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक पार्ट को जो स्किन के अंदर एम्बेडेड होगा और एक पार्ट को जो स्किन के बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, अब ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं इनको हम लाइन्स ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका अरेंजमेंट उसी तरह से होता है जिस तरह से प्लांट्स पे एक एनुअल रिंग की फॉर्मेशन होती है जिनसे हम उनकी एज का पता कर सकते हैं, सेम इसी तरह से हम इस स्केल पे इनकी लाइंस ऑफ ग्रोथ को काउंट करके हम उस फिश की एज का हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि दीज स्केल्स आर थिन है, रफली सर्कुलर है एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो न्यू रिंग, जो ये रिंग्स हैं इनका अरेंजमेंट उस तरह से होता है जिस तरह से ट्री पे रिंग्स बनती हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, फिश की ग्रो की किस तरह ग्रो करी है, ग्रो मतलब उसका एज के बारे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन द फ्री एंड जो एंटीरियर इज मोर राउंडेड, जैसे मैंने आपको बताया, एंड एक्सपोज जो बाहर की तरफ होगा, एंड वाइल द पोस्टीरियर एंड हैज मैनी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो हमने कहा ये वो वाला पार्ट होगा जो उनके स्किन के अंदर एम्बेडेड होगा और वहाँ से न्यूट्रिशन को क्या करेगा, ड्रा करेगा ताकि स्केल आगे की तरफ ग्रो करना शुरू करे। ठीक है, और इनके कंडीशन पे पल्प कैविटी हो गया या डेंटाइन का स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से इस साइक्लाइड स्केल के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, देन लास्ट वन इसका कौन सा आ जाता है, टिनॉइड स्केल्स। जो टिनॉइड स्केल्स हैं इसको भी हम कंसिडर करते हैं कि ये डेरिवेटिव किसका है, गेनाइड स्केल का। ठीक है, और इन पे भी गेनाइन और कॉसमाइन की लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लस ये जो स्केल्स हैं जो हमने पहले पढ़े साइक्लाइड, वो होते थे लोअर टेलियोस्ट पे और ये प्रेजेंट है हायर बोनी फिशेज में। ठीक है, हायर टेलियोस्ट फिशेज पे। ठीक है, जिस पे कौन सी आ जाती हैं, सनफिश हो गया, पेरच हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गए बोन फिशेज। ठीक है, अब ये जो साइक्लाइड स्केल, मतलब ये जो टिनाइड स्केल है, ये भी साइक्लाइड स्केल की तरह ही फॉर्मेशन होती है, मतलब इनके पास भी सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, इनके भी चारों तरफ लाइंस ऑफ ग्रोथ होगी, इनके पास भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, बट डिफरेंस ये रहेगा कि इनके एक एंड पे स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम टिनाई भी कहते हैं, जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है टिनाइड स्केल, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जहाँ पे इसके ये स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये इसका फ्री एक्सपोज्ड पार्ट होगा, और जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल आप कह सकते हो ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, ये होगा इसका वो वाला पार्ट जो इनके स्किन के अंदर एम्बेडेड होगा और वहाँ से आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को वो क्या करेगा, ड्रा करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे भी देख सकते हैं कि लाइक साइक्लाइड स्केल्स ईच स्केल इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मैंने पहले कहा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे लाइंस ऑफ ग्रोथ। एंटीरियर पार्ट मतलब कि जो फ्री रहेगा, एक्सपोज रहेगा, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्मॉल टीथ। ठीक है, और वो हमेशा एक्सपोज रहेगा, और पोस्टीरियर पार्ट पे हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, मैनी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो स्किन के अंदर एम्बेडेड रहेंगे ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन को ड्रा कर सके जिससे स्केल ग्रोथ कर सके, और इनके कंडीशन पे भी पल्प कैविटी और डेंटाइन क्या होगा, वो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, जिसपे हमने देखा कि जो स्केल्स हैं वो दो तरह के हैं, एक हैं डर्मल और एपिडर्मल। डर्मल हमने बोला
फिशेस के कंडीशन में, क्योंकि उसमें डर्मिस का रोल ज़्यादा रहता है और एपिडर्मिस या एपिडर्मल स्केल जिसपे एपिडर्मिस प्रीडोमिनेट करती है उनकी फॉर्मेशन में या उनकी डेवलपमेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।